गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर चैप्टर 8 ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथिंग। इन दिस लेसन वी विल रीड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियन क्लोथ्स। सो लेट स्टार्ट नाउ। वी रीड इन द प्रीवियस चैप्टर हाउ पीपुल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। Here we will read about the kind of clothes people in different parts of India wear. The kind of clothes we wear also varies greatly from one place to another. Student, अगर हम देखें तो लोग अलग अलग क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से लोगों का भोजन, रहन सहन सब कुछ अलग होता है, पहनावा भी अलग होता है। तो वो क्यों अलग होता है, कैसे डिफरेंस हो जाता है, दोनों में अलग क्यों हो जाता है, ये देखेंगे। द मेन रीजन फॉर दिस, क्या रीजन है इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहला है द डिफरेंस इन क्लाइमेट। ओके, द डिफरेंस इन क्लाइमेट। पीपुल लिविंग इन कोल्ड प्लेस लाइक माउंटेन वियर वार्म वूलन क्लोथ्स, वाइल पीपल इन वार्मर रीजन वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स। जो लोग ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं वो कैसे कपड़े पहनते हैं, वो गर्म कपड़े पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। और जो लोग गर्म वाले क्षेत्र में रहते हैं उनके कपड़े हल्के होते हैं, कॉटन के बने होते हैं। द चेंजिंग सीजन दूसरा मेन पॉइंट है जो क्लोथ्स को इफेक्ट करता है। पीपुल वियर लाइटर कूलर क्लोथ्स इन समर एंड वार्मर क्लोथ्स इन विंटर। जब समय के हिसाब से लोग चेंज करते रहते हैं, जैसे कि अगर सीजन चेंज होता है तो उस हिसाब से लोग अपने कपड़े चेंज करते हैं। जैसे कि अगर कहीं ठंडक पड़ रही है तो वहाँ पर लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, और वहीं पर अगर मौसम चेंज हो जाता है, गर्मी हो जाती है, तो वहाँ पर लोग हल्के कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं, यानी गर्मी वाले कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं। तीसरा कारण है ट्रेडिशनल एंड कल्चर, वहाँ का ट्रेडिशन और कल्चर। डिफरेंट रीजन एंड कम्युनिटीज़ इन इंडिया हैव देयर ओन ट्रेडिशनल क्लोथिंग। जो अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, अलग अलग समुदाय से लोग हैं, वो अपने अपने कम्युनिटी के हिसाब से लोग कपड़े पहनते हैं। जैसे कि अगर आप किसी व्यक्ति को देखेंगे तो उसके कपड़े के पहनावे से देख करके आप पता लगा सकते हैं कि वो किस क्षेत्र का व्यक्ति है, आप उसके पहनावे से देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से ड्रेस हमारे इंडिया में पहने जाते हैं। ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथिंग, आवर कंट्री हैज़ रिच वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथिंग दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। हमारे देश में बहुत सारे परंपरागत कपड़े पहने जाते हैं जो हमारा कल्चर है। ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स आर यूजली कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। जो क्लोथ्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल और ब्यूटीफुल होते हैं। ईच रीजन ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन ट्रेडिशनल ड्रेस। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ आवर ट्रेडिशनल क्लोथिंग। सबसे पहले हम देखते हैं साड़ी। साड़ी तो आप लोगों जानते ही होंगे। साड़ी, द साड़ी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स वोर्न बाय इंडियन वोमेन। महिलाओं के द्वारा जो सबसे मेन, सबसे ज़्यादा पहनने वाली है वो कौन सी है, साड़ी है। इट इज़ वोर्न ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में ये लगभग पहनी जाती है। बट वोमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वियर द साड़ी इन डिफरेंट वे। लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से पहनी जाती है। आप देखेंगे यहाँ पर दो तीन फिगर दिए गए हैं, तीन फोटोज़ दिए गए हैं। तो फर्स्ट फोटोज़ में ये जो साड़ी आप देख रहे हैं, ये कौन से स्टाइल की, कौन से स्टेट से रिलेटेड है, ये बंगाल। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है स्टेट गुजरात से रिलेटेड है, और यहाँ पर आप देखेंगे जो साड़ी पीछे से होकर पहन दी जाती है ये महाराष्ट्र से। ओके, और भी साड़ी के कई तरीके हैं, जैसे टू पीस साड़ी जो आसाम और केरला में पहनी जाती है। आसाम में जो बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आसाम में जो पहनी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, मुंडू नेरियत्तम, सॉरी, जो आसाम में पहनी जाती है उसको हम बोलते हैं मेखला चादर, और जो केरला में जो पहनी जाती है मुंडू नेरियत्तम। ओके, सलवार कमीज,
सलवार कमीज ही ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वोमेन ऑफ पंजाब हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। जो सलवार कमीज अधिकतर जो स्टेट्स में पहने जाते हैं वो कौन सा है? पंजाब हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। द वोमेन ऑफ कश्मीर वियर अ सिमिलर कॉस्ट्यूम नोन एज सुथान। सेम उसी तरह के कपड़े कश्मीरी महिलाएं भी पहनती हैं, जो जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सुथान। ओके, ये थोड़े लंबे होते हैं और ढीले ढाले होते हैं, इनको हम सुथान बोलते हैं। द सलवार इज लाइक पैजामा, इट इज़ वर्न विथ लॉन्ग टॉप कॉल्ड कमीज और कुर्ता। महिलाएं जो सलवार पहनती है जिसको पैजामा भी बोलते हैं, ये लॉन्ग कुर्ता या कमीज के साथ पहना जाता है। द सलवार कमीज इज यूजली वर्न अलॉन्ग विथ दुपट्टा और चुन्नी। सलवार कमीज के साथ एक और चीज़ लोग सिर पर रखते हैं जिसको हम दुपट्टा या चुन्नी बोलते हैं। दिस डे द सलवार कमीज वर्न वोमेन ऑल ओवर इंडिया एज इट इज ईजी टू वियर। आजकल महिलाएँ सलवार कमीज को ज़्यादा पहन रही हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ ये जो है ये ड्रेस आसानी से और जल्दी से इसको पहनी जा सकती है और इसको पहनने में हमें या लोगों को आरामदायक महसूस होता है। नेक्स्ट, घाघरा चोली। द घाघरा चोली इज आल्सो नोन एज लहंगा चोली। घाघरा चोली को क्या बोलते हैं? लहंगा चोली। अ घाघरा इज ए लॉन्ग स्कर्ट विथ वर्न विथ ब्लाउज चोली एंड दुपट्टा। घाघरा यानी जिसको हम ब्लाउज बोलते हैं, चोली भी बोलते हैं, उसको दुपट्टे के साथ पहना जाता है। दिस इज ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वोमेन ऑफ राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। यह ड्रेस राजस्थान और गुजरात के कुछ पार्ट में पहनी जाती है। गर्ल इन साउदर्न इंडिया वियर सिमिलर ड्रेस कॉल्ड पौड़ी चट्टई एंड लहंगा डाउनी। जो साउथ इंडिया की जो इसी तरह की ड्रेस पहनी जाती है उसको हम पौड़ाई चट्टई और लहंगा डाउनी बोलते हैं। धोती कुर्ता। धोती कुर्ता इज ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ मेन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडियन सच एज उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। जो धोती कुर्ता है वो उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल का पुरुषों का एक ट्रेडिशनल ड्रेस है। दिस डेज द धोती इज आल्सो वर्न विथ शर्ट। आजकल लोग धोती को शर्ट के साथ भी पहनते हैं। धोती कुर्ता इज स्टिल कॉमन इन इंडियन विलेज। धोती कुर्ता आज गांव में देखा जा सकता है। धोती कुर्ता मेन हु लिव इन सिटीज यूजली वियर द धोती ड्यूरिंग फेस्टिवल आर ऑन स्पेशल ओकेजन्स। जो पुरुष या जो लोग शहर में रहते हैं वो कभी कभार स्पेशल ओकेजन या कोई त्यौहार या कह लीजिए कोई फेस्टिवल पड़ता है या कोई समय रहता है तो उस समय वो पहनते हैं। द मुंडो इज ड्रेस सिमिलर टू धोती। जो साउथ इंडिया में जो धोती पहनी जाती है उसको मुंडू बोली जाती है। इट इज़ वर्न बाय द मेन साउदर्न इंडिया। साउथ इंडिया में इसको पुरुष पहनते हैं, स्पेशली इन स्टेट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। ओके, नेक्स्ट ड्रेस है पैजामा कुर्ता। इन नॉर्दर्न इंडिया मेन वियर पैजामा एंड कुर्ता। द स्टाइल ऑफ पैजामा कुर्ता वेरीज फ्राम वन स्टेट टू अनदर। जो कुर्ता पैजामा पहनते हैं वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टाइल में होता है। द मेन ऑफ कश्मीर पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश गुजरात एंड राजस्थान वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैजामा एंड कुर्ता। जो कश्मीरी लोग पहनते हैं उनका कुर्ता पैजामा कुछ अलग होता है, ढीला ढाला होता है, लंबा चौड़ा होता है। जबकि अगर हम देखें राजस्थान में और हिमाचल प्रदेश में, यहाँ लोग कपड़े अलग तरह के पहनते हैं, कुर्ता पैजामा अलग तरह का होता है। नेक्स्ट ड्रेस है पगड़ी एंड टोपी। इंडियन मेन ऑफन कवर देयर हेड्स विथ टर्बन और पगड़ी। जो पुरुष होते हैं अपने सर को ढकते हैं किससे? पगड़ी से, जिसको टर्बन भी बोलते हैं। एंड ट्रेडिशनल कैप्स आर टोपीज। कुछ लोग पगड़ी के जगह पर टोपी और कैप्स भी पहनते हैं। अ सिख वेयरिंग पगड़ी, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं सिख जो है पगड़ी पहने हुए। ए मैन ऑफ राजस्थान वियरिंग पगड़ी
राजस्थान की पगड़ी कुछ आप अलग देख सकते हैं। ए मैन इन महाराष्ट्र वेयरिंग गांधी टोपी, जो महाराष्ट्र का व्यक्ति है वो गांधी टोपी, और मुस्लिम व्यक्ति का टोपी जो होता है वो गोल टोपी होता है। अदर ट्रेडिशनल क्लोथिंग्स, दूसरे क्लोथ्स कौन कौन से हैं? देयर आर मेनी अदर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स वर्न डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, सम ऑफ देम आर बिलो, जो अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग जो है ये पिक्चर में देख लेते हैं। कॉस्ट्यूम कुर्ग इन कर्नाटका, कुर्ग कर्नाटका में जो पहनी जा रही है ये ड्रेस है, और हिमाचल प्रदेश की महिलाएं जो पहनती हैं वो कुछ इस तरह की हैं, और जहां पर आप देखेंगे मेघालय, ओके, मेघालय की ये ड्रेस है, गारो पीपल लोग पहनते हैं। दिस डे ट्रेडिशनल क्लोथ्स आर ऑफन वर्न ओनली स्पेशल ओकेजन्स, आजकल लोग जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो स्पेशल ओकेजन पर ही पहनी जाती है, लाइक फेस्टिवल एंड वेडिंग्स, जैसे कि शादी विवाह होता है तो ऐसे ड्रेस लोग ज़्यादा पहनते हैं। मेनी पीपल फाइंड इट ईजियर वियर ट्राउजर शर्ट्स जीन्स टी शर्ट और सलवार कमीज टू वर्क एंड फॉर ट्रेवल, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो जीन्स टी शर्ट पैंट और सलवार कमीज ये लोग पहनते हैं ताकि यात्रा करने में, कहीं जाने में या पहनने में उसको आसानी होती है। तो सो स्टूडेंट, ये आपका लेसन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन के एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।